नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी को रैली के लिए किसान ने मुफ्त में दी जमीन। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक किसान ने 8 बीघा जमीन में लगी अपनी गन्ने की फसल काटकर उसे 26 मई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए दे दिया है। इतना ही नहीं, उसने फसल के लिए कोई मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया है। सहारनपुर से सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने बताया कि यहां दिल्ली रोड क्षेत्र में 265 बीघा जमीन में प्रधानमंत्री की रैली के लिए एक मंच और पांडाल लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में रईस अहमद की किराए की जमीन आती थी, जिस पर उसने गन्ना उगाया था। अहमद ने खुद अपनी जमीन रैली के लिए मुहैया कराई और उसका मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। चीन ने अमेरिका को दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने दक्षिण चीन के समुद्र में मटर गश्ती बंद नहीं की तो 66 साल पुरानी जंग दोहराई जा सकती है। ये वो जंग है जिसमें चाह कर भी अमेरिका जीत न सका था। चीन के उप विदेश मंत्री के चौंकाने वाले बयान ने दुनिया के उस डर को जिंदा कर दिया है कि तीसरा विश्व युद्ध समुद्र से ही शुरू हो सकता है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा वियतनाम की पश्चाताप यात्रा है। सालों पहले इसी वियतनाम को तबाह करने के चक्कर में अमेरिका के 58,000 फौजी मारे गए थे। ब्रेड से हो सकता है कैंसर, जांच में बड़े ब्रांड भी फेल। पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ब्रेड के संबंध में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीएसई के मुताबिक जो लोग रोजाना ब्रेड खाते हैं उन्हें कैंसर तक हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने जाँच के लिए आदेश दे दिए है। सीएसई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, हमें मामले की जानकारी है, मैंने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे तात्कालिक आधार पर मुझे रिपोर्ट दें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम जांच रिपोर्ट सामने लाएंगे। सीएसई की प्रदूषण निगरानी प्रयोगशाला ने सामान्य रूप से उपलब्ध 38 ब्रांड के पैकिंग से पहले ब्रेड पाव और बन तथा दिल्ली के लोकप्रिय फास्ट फूड आउटलेट से बर्गर ब्रेड और तैयार पिज्जा ब्रेड की जांच की।